इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर DIG हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया है कि टाट पट्टी बाखल एरिया में हुई घटना पर दोषियों की वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्य दोषी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित धारा 186, 188 और 353 के तहत FIR दर्ज की गई है, साथ ही 10 दोषियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबरों की माने तो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अफवाह की वजह से हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके द्वारा मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। इस मामले में इंदौर DIG का कहना है कि सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी पुलिस के साइबर सेल की नजर है। आजाद नगर क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर अफवाह फैलाने के मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शहर के टाट पट्टी बाखल इलाके में बुधवार को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभियान चला रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। इससे 2 महिला डॉक्टरों को पैरों में चोटें आई हैं। न्यूज़ डेस्क।